हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको भूतिया होटल की सच्ची डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज की इस नई कहानी को। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही हमारी नई नई कहानियाँ आप सुन सकें। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं इस कहानी को। हमारे यहाँ पुराने ज़माने से भूत पिशाचों के बारे में कई कहानियाँ सुनाई जाती हैं। हम कुछ बातों को गौर करते हैं तो किसी को मजाक में लेके भुला देते हैं। पर कुछ ऐसी ही भुला दी गई पिशाचों की बात जब अचानक से सामने आती है, तो डर क्या होता है पता चल जाता है। मेरा नाम राजन है। मैं मार्केटिंग में एक जगह काम करता हूँ। मेरी नौकरी की वजह से मुझे हमेशा यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है। रात के समय बहुत बार लॉज होटल में रुकना होता है। वैसे तो उसका पैसा कंपनी देती है, लेकिन कुछ पैसे बच जाएं इसीलिए मैं छोटे होटल में रुक कर ज़्यादा का बिल बनवा लेता था, ताकि वो जोड़ के कुछ ऊपर की कमाई हो सके। पर कभी सोचा नहीं कि ये सब मेरी जान पर बनाएगा। मैं एक बार शाहपुर नाम के छोटे से शहर के लिए अपनी बाइक से निकला था। कंपनी का काम था और वहाँ से ऑर्डर भी लेना था। शाम तक काम हो जाएगा, इसलिए मैं ज़रा आराम से था। लेकिन सारे ऑर्डर लेते हुए रात के 8 बज चुके थे। अब अपने घर जाना मुश्किल था। सोचा कि यहीं कहीं सस्ता सा लॉज लेके रुक जाता हूँ, सो जाता हूँ और ये सब बंदोबस्त तो हो ही जाएगा। एक दुकान वाले से पूछा, अरे भाई साहब, यहाँ कोई लॉज है क्या? कोई रास्ता बता दीजिए किसी सस्ते से लॉज का। उसने मेरी ओर देखा और अनदेखा करके बोला, यहाँ कोई लॉज नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ से 2 मील पे एक छोटा ढाबा है, वहाँ तुम खाना खाओ तो वो रुकने का इंतज़ाम कर सकते हैं। मैं उसको मन ही में ठीक है बोल के निकला। तभी उसने आवाज़ लगाई, पीछे वही दुकानदार आ रहा था। मेरे पास वो आके रुक गया और बोला, हाईवे पे यहाँ से सीधा जाना, कहीं रुकना मत, सीधे वो ढाबे पे ही जाना। रास्ते में भूतों का डेरा है, तुम नए हो पता नहीं होगा। कोई रोके तो भी मत रुकना। मैं गर्दन हिला के वहाँ से चला गया। मैंने ऐसी बातें सुनी तो थी, पर यकीन कौन करता है आजकल। थोड़ा ठंडी हवा चल रही थी, हेलमेट के अंदर भी मुझे महसूस हो रहा था। मुझे ठंडी से जुकाम होता है, इसलिए जैकेट पहना था मैंने। शहर से जैसे बाहर निकला, घनी सी झाड़ियाँ
चालू हुई। एक बड़ा सा मोड़ आया तो मैंने गाड़ी जरा धीरे की और हॉर्न बजाया। तभी एक पेड़ के नीचे एक आदमी सोया दिखा। मैंने सोचा कि कोई भिखारी होगा या कोई दारू पी के पड़ा होगा। मैंने बिना रुके वहाँ से चल दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद एक रोशनी दिखी। मुझे लगा कि वही ढाबा होगा जो वो दुकानदार बोल रहा था। पास जाके देखा तो एक छोटा सा घर था। बाहर लिखा था होटल माया। एक दिन की बात थी, मुझे जल्दी पहुंचना था। एक दिया जल रहा था और बाहर एक कोने में आग भी जल रही थी। पास में कोई दिखाई नहीं दे रहा था तो मैंने बाहर से ही आवाज़ लगाई, कोई है? काफ़ी देर के बाद एक दिया लेके एक बुढ़िया आई। वह काफ़ी उम्र की लग रही थी। लड़की के सहारे वो बाहर आई और उसके हाथ में एक लड़की थी, उसकी बेटी की बेटी यानी उसकी पोती, और एक हाथ में एक लकड़ी के सहारे वह चल रही थी। देखने से सब कुछ ठीक लगा तो मैंने उस बुढ़िया से पूछा, अम्मा यहाँ रात के लिए रुकने के लिए कोई कमरा मिलेगा? जो बनता है वो किराया दूंगा। मैंने सोचा कि ये क्या किराया लेगी, 150 दे के निकल जाऊंगा और सुबह 500 का बिल बना के ऑफिस में दे दूंगा। ऊपर का अपना फायदा ही होगा। वो बोली, हाँ अगर खाना चाहिए तो वो भी मिलेगा। मैंने साथ में कुछ बिस्कुट और चिप्स के पैकेट रखे थे। यह सब मैं हमेशा साथ में रखता हूँ। सोचा कि इसको रात को दिखाई देता होगा कि पता नहीं खाना बनाने में कितना टाइम लगे, क्या पता। मैं बोला, नहीं अम्मा, मैं शहर से निकला तो खा के आया था वहाँ से। तुम कमरा दिखा दो, सुबह जल्दी निकलना है। वो इशारे से चलने को बोली। मैं उसके पीछे चला गया। घर अंदर से काफ़ी साफ सुथरा था। भीतर जाते ही दाहिनी तरफ दो कमरे थे। एक में मुझे छोड़कर वो चली गई। मैं भी थका हुआ था, थोड़े बिस्कुट खा लिए और साथ में लाया पानी पी के खटिया पे लेट गया। खटिया जरा छोटी थी, मेरे पैर बाहर लटक गए। मैं पैरों का थोड़ा मोड़ के करवट लेके सो गया। अब अगली कहानी कल। तो यार अब अगली कहानी कल सुन लेना। वैसे भी आज काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, अगर तुम कहोगे तो लंबी वीडियो बना देंगे, इससे भी ज़्यादा लंबी। लेकिन तुम ही लोग बताओ कमेंट में कि ये जो 7-8 मिनट का वीडियो रहता है वो काफ़ी है या और भी लंबे चाहिए, क्योंकि जैसा कहोगे वैसा बन जाएगा। तो अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। बाकी का भूतिया पार्ट कल आएगा, तो कल सुन लेना आराम से। चलो ठीक है, चलते हैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।